بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين صدق الله مولانا العظيم। नवे सिपारे में सूरतुल आराफ़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सूरतुल आराफ़ में तज़कीर बिअय्यामिल्लाह का उन्वान चल रहा था कि अल्लाह पाक ने गुज़िश्ता अक़वाम पर जो अज़ाबात नाजिल फरमाए हैं रसूलों की नाफरमानी करने की वजह से और दीगर उनके जराइम की वजह से, तो उन अज़ाबों का बयान था। चुनाचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का बयान और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का बयान और इसी तरह से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का बयान और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का बयान, गुज़िश्ता दर्स में ये बात तफसील से आप लोग सुन चुके कि इन अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी कौमों को अल्लाह की तौहीद और वहदानियत की तरफ दावत दी और उन्हें जराइम से रोका, लेकिन अब वो जब जराइम से न रुके तो अल्लाह की तरफ से अज़ाब आया। पांचवी कौम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम है। इन पांच कौमों को अक़वाम खमसा मुहलका कहा जाता है। ये वो पांच कौमें हैं कि जिनको अल्लाह तबारक ताला ने इस्तिसाल फरमाया, यानी सफ़े हस्ती से अल्लाह ने इनको मिटा दिया। और पाँचवीं कौम जो यहाँ ज़िक्र है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, इनकी अल्लाह तबारक ताला की तौहीद को न मानने के साथ साथ शिर्क और बुतपरस्ती के साथ साथ एक अहम गुनाह हुकूकुल इबाद के मामले में था, और वो बदतरीन जुर्म ये था कि नाप तोल में कमी करते थे, यानी माल के हुसूल के जो गलत तरीक़े थे वो सारे इन्होंने इख्तियार किए हुए थे। बड़ी फसाहत और बलागत के साथ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने इनको समझाया और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को ख़तीबुल अंबिया कहा जाता है, और बड़ा फसीहाना कलाम है उनका। वइला मदयन अखाहुम शुएबा काल या कौमी इबदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरु। पहली बात जो हर नबी की दावत में होती है, अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं है और मैं तुम्हारे पास बड़े दलाइल लेके आया हूँ, लिहाजा नाप तोल में कमी छोड़ दो और लोगों की चीज़ों को घटा कर मत दिया करो और ज़मीन में फसाद डकैतियाँ मत मचाओ और कुफर और शिर्क को मत फैलाओ। ये मेरी बातें मानना ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है, और हर रास्ते पर बैठकर तुम लोगों के मालों पर दस्त दराजी मत करो और लोगों को अल्लाह की राह से मत रोको और दीन के अंदर कजी और टेढ़ापन मत तलाश करो। वज़कुरू इज़ कुंतुम क़लीलन, अल्लाह के एहसान को याद करो कि तुम्हारी क्या हैसियत थी। अल्लाह पाक ने तुम्हें कसरत माल में कसरत अता फ़रमाई, औलाद में कसरत अता फ़रमाई, और तुमसे पहले गुज़िश्ता कौमें गुजरी हैं, उन कौमों के हालात तो देख लो। और कुछ ईमान लाए कुछ न लाए, अल्लाह पाक ने सालेह अल्लाह पाक ने शुएब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया अब इंतज़ार करो, अल्लाह का कोई फ़ैसला आएगा। قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने जब खूब समझाया लेकिन कौमों का यही वतीरा रहा और कौमों के अंदर जो अरबाब इख्तदार असहाब अमवाल होते हैं उनका यही वतीरा रहा कि उन्होंने कहा लनुखरिजन्नक या शुएब, शुएब तुझे इस बस्ती से हम निकालेंगे और तेरे मानने वालों को भी यहाँ से निकालेंगे। हाँ, हमारे पास रहना है तो एक ही सूरत है, लतऊदुन्नफ़ी मिल्लतना, हमारे दीन में वापस आ जाओ, जो हम कर रहे हैं जो हम कह रहे हैं वो मान लो, अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। क़ाल अवलौ कुन्ना कारिहीन, शुएब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क्या ये सारी चीज़ें जो तुम करते हो जो तुम कहते हो ये तो हमें नापसंद हैं, अल्लाह पाक ने तो हमें ईमान की दौलत से नवाजा है, अल्लाह तबारक ताला ने हमारे मेरे ऊपर वही नाजिल फरमाई है, अब इसके बाद अगर मैं तुम्हारी बातों को मानूँ तो मैं तो अल्लाह पर झूठ बांधूंगा। और मा कान लना अन नऊदा फीहा इल्ला अय्यशा, और हम वापस तुम्हारे मिल्लत में और तुम्हारे दीन में और इस बुत परस्ती में और इन गुनाहों ने जुर्म के अंदर दोबारा हम दाखिल हो जाएं, ये कैसे हो सकता है। अल्लाह तवक्कलना, हमें अल्लाह ही पर भरोसा करना है। रब्बना अफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिल फतह, ऐ अल्लाह बिल हक, ऐ अल्लाह हमारे और इनके दरमियान में फ़ैसला फरमा, तू बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है।
फिर लोगों ने कहा وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون। अब एक दूसरे से कहने लगे कि अगर शुएब की इत्तबा तुम करोगे तो खसारा ही खसारा। क्यों? शुएब सच का हुक्म देता है, शुएब तजारत में अमानतदारी का हुक्म देता है, शुएब तुम्हें तजारत के अंदर जो है कमी बेशी नहीं करने देता। अगर ये सारी चीज़ें तुम शुएब की मानोगे तो तुम्हारी तजारतें ठप हो जाएंगी, तुम्हारी तजारत की मंडियाँ गिर जाएंगी, तुम जो चाहोगे अपनी तजारत में नहीं कर सकोगे। आज का ताजर भी यही सोच रखता है कि इस्लाम अच्छा मज़हब है, इस्लाम बेहतरीन दीन है, लेकिन इस्लाम का तजारत से क्या ताल्लुक़ है? तजारत में मैं सूद भी इख्तियार करूँगा, मैं झूठ भी बोलूँगा, मैं जिस तरह से नाहक तरीके से माल मुझे आना चाहिए इसमें मुझे कोई ना रोक टोक करे। आज का ताजर भी ये सोच रखता है, मादा परस्त ताजर यही सोच रखता है। तो ये किस्सा इसीलिए सुनाया गया कि वो सोचें और तुम्हारी सोचें एक नहीं होनी चाहिए, उन काफिर और जालिम और नाफरमान कौमों की सोचों से अपने आप को बचाओ। क्यों? उन पर अजाबात आए हैं। फ़तवल्ला अन्हुम वक़ाल या कौमी लक़द अबलग़्तुकुम रिसालात रब्बी व नसहतु लकुम फ़कैफ़ आसा अला कौमिन काफिरीन। फरमाया शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने अल्लाह के पैगामात तुम्हारे तक पहुँचा दिए और नसीहत कर दी है, अब उसके बाद अब मैं क्या कह सकता हूँ। अल्लाह तबारक ताला ने उनको अज़ाब में पकड़ा। फ़अख़ज़तहुम रजफ़तु फ़असबहू फ़ी दारिहिम जासिमीन। एक ज़िलज़िला आया और ज़िलज़िले में सब के सब अपने घरों में ऊंधे मुंह पड़े रह गए। उसके बाद अल्लाह ने क़ानून ज़िक्र किया और ये क़ानून पीछे भी आया था, सूरतुल अनआम में भी इसका मज़मून आया था। वमा अरसलना फ़ी क़रियतिन मिन नबिय्यिन इल्ला अख़ज़ना अहलहा बिलबअसा वज़्ज़र्रा लअल्लहुम यज़्ज़र्रऊन। ये क़ानून इनफ़िरादी भी है, इज्तमाई भी है, शख्सी भी है, कौमी भी है। कौम पर भी ये हालात आते हैं, फ़र्द पर भी आते हैं। फरमाया हम रसूल भेजते रहे और रसूलों ने अपनी कौमों को समझाया, जब कौमों ने न माना तो फिर हमारी तरफ से दो हाल ज़रूर आए। अखज़ना अहला बिलबासा वज़्ज़र्रा, हमने जिस्मानी तंगियों में मुबतला कर दिया, फ़क्र फ़ाक़े में मुबतला कर दिया, माली तंगी आ गई, जिस्मों में बीमारियाँ आ गई। ये क्यों किया? लअल्लहुम यज़्ज़र्रऊन, ताकि अल्लाह की तरफ रुजू करें। सुम्मा बदलना लेकिन जब उन्होंने रुजू न किया, सुम्मा बदलना मकाना सैयदिल हसना था, फिर उसके बाद हमने उनकी उस तकलीफ़ की जगह पर हालात बेहतर कर दिए, यानी सेहत अता कर दी, माल की तंगी को हमने फरावानी से बदल दिया। हत्ता आफ़ऊ, यहाँ तक के खूब वाफिर हो गए। तो अब चाहिए तो ये था कि माल मिलने के बाद, फरावानी मिलने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करते, लेकिन क्या कहने लगे? ये तो ज़माने के हवादिसात हैं, ये कोई ऐसी चीज़ थोड़ा ही नहीं है, ये फ़क्र भी आते हैं, तंगियाँ भी आती हैं, वसातें भी आती हैं। ये नहीं समझा कि ये तंगी इम्तिहान था, ये नहीं समझा कि वसात ये इम्तिहान है। कहने लगे वक़ालू मस आबा अनज़र्राहु क़द मस आबा अनज़र्राहु वसर्राहु, हमारे आबा अजदाद में बड़ी तंगी देखी है। आज भी आदमी ये कहता है हाँ मेरे दादा ने बड़ी तंगी का वक्त गुजारा है, लेकिन ये नहीं कहता कि दादा के ऊपर तंगी का इम्तिहान था और मेरे ऊपर वसात का इम्तिहान है। हर आदमी अपनी माजी को देखे, अपने बड़ों के हालात को सोचो। फ़ाखज़ ना हम बगतन, फरमाया फिर हमने पकड़ा और ऐसी सख्त सज़ा इबरतनाक दी, उनके पता भी नहीं चला अजाब कहाँ से आया। और फिर कानून सुनाया, अगर वलो अन्ना अहल अल-क़ुरा आमनू, अगर बस्ती वाले ईमान और तकवा इख्तियार करें तो हम आसमान से रिज्क बरसाएँगे, यानी वक्त पर बारिशें और ज़मीन से गल्ले उगेंगे। उसके बाद फरमाया अफ़ा आमीना अहल अल-क़ुरा, क्या इस बात से बेखौफ हो गए हो कि दिन को अल्लाह पाक अज़ाब को ले आए या रात को अल्लाह पाक अज़ाब को ले आए? इस बात से बेखौफ हो गए हो? अफ़ामिनु मकरल्ला, अल्लाह के अज़ाब से बेखौफ वही होता है जो खसारा पाने वाला होता है, ईमानदार आदमी अल्लाह के अज़ाब से बेखौफ नहीं होता। ये अल्लाह के अज़ाब से बेखौफ होना ये वो जुर्म है कि जो इंसान को कुफर तक ले जाता है, मायूसी कुफर है। अल्लाह के अज़ाब से बेखौफ होना इसका नतीजा कुफर है, इससे बचना चाहिए। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तफसीली किस्सा आया है। आज क्या था कि ये तज़कीर बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह तबारक ताला ने गुज़िश्ता कौमों के साथ क्या कुछ किया, क्या अहवाल आए, तो ये सूरत इस मज़मून को ज़िक्र करती है। तो पहली पांच उन अक़वाम का तज़किरा है जो अक़वाम मोहलका, जिनको अल्लाह पाक ने इस्तिसाल फरमाया और तबाह फरमाया। अब उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम की मुनासिबत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत की मुनासबत नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के साथ है, इसलिए बड़ी तफसील से मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है। और मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है
या मूसा अलैहिस्सलाम की जो नबूवत का वक्त है वो दो अवकात पर मुश्तमिल है, दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला वो हिस्सा है जो मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन के साथ गुजरा, फिरौन को दावत देते देते दो मुतालबात रखे थे। एक मुतालबा ये कि तुम्हारा परवरदिगार वो अल्लाह है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, तू कोई रब नहीं है, जो हर नबी की दावत होती है, यही दावत मूसा अलैहिस्सलाम की भी थी। और दूसरी दावत ये थी कि बनी इसराइल को तुम आज़ाद कर दो, बनी इसराइल को आज़ाद कर दो, इन पर जो तुमने जुल्म और ज़्यादतियाँ कर रखी हैं इनसे तुम बाज आ जाओ। ये दो मुतालबात थे। इस इन दो मुतालबात को पूरा होते होते एक अरसा लगा। मूसा अलैहिस्सलाम उनको तबलीग करते रहे, समझाते रहे, समझाते रहे, और जब हुज्जत ताम हो गई तो अब अल्लाह पाक की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता अज़ाब की शक्लें बरसना शुरू हो गई। चुनाचे जादूगरों से मुकाबला हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने वहाँ गलबा अता फरमाया, और फिरौन के जितने भी लाओ और लश्कर और लाठियाँ लेकर आए थे, जिन्होंने जादू के ज़रिए से लाठियों को सांप बनाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने आसा को फेंका तो वो सब की सब लाठियों को निगल गया। फ़ैदाहिया तलकफ़ मा यफ़िकून, कुरान कहता है तलकफ़ निगल गया जो कुछ उन्होंने किया था। फ़वक़ अल हक़ वबतल मा कानू यअमलून, हक गालिब होकर रहा और बातिल मगलूब हुआ और जादूगर सब के सब सजदे में गिर गए। और फिरौन ने जब ये मंजर देखा तो सख्त तिल मिला गया और कहने लगा, قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم, मेरी इजाज़त से पहले तुम ईमान ले आयो, ये लग रहा है तुम्हारा मंसूबा है, मूसा के साथ मिलकर तुमने मंसूबा किया है, मूसा को तुमने गालिब करना था और तुम मगलूब हो गए हो, और ये सब प्रोपगंडा तुमने इसलिए किया है ताकि मिस्र से तुम हम लोगों को निकालो, और याद रखो मैं तुम्हारे हाथ पांव को काटूंगा और तुम्हें सूली पे लटकाऊंगा। उन जादूगरों का एक लम्हे में ईमान उस बुलंद सतह को पहुंचा, इसलिए कि जब इंसान कुर्बानी दिया करता है ना तो ईमान बढ़ता है। तो कहने लगे, इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना है, तू जो करना चाहता है कर ले, हमें अपने परवरदिगार से मदद मांगनी है, अब उसी पर हम ईमान रखते हैं। قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه, अब जादूगरों के पीछे लग गया, इंसान की अकल जब मारी जाती है, मत मारी गई, अब दुश्मन थे मूसा और दुश्मन थे हारून और दुश्मन थी कौम बनी इसराइल की, इनको दुश्मन समझता था लेकिन अब वो पीछे लग गया जादूगरों के। फिर जनाब अराकीन सल्तनत में से कुछ वज़रा ने मुतनब्बे किया, ये क्या कर रहे हो तुम, अतदरु मूसा व कौमहु लियुफ्सिदू फिल अर्ध व यदरक आलिहा तक, के मूसा को तूने छोड़ दिया, आज़ाद छोड़ दिया, मूसा को तू भूल गया है। फिर दोबारा से इसने कत्ल करना शुरू किया, सनु कत्तिलु अबनाअहुम, ये दूसरा कत्ल हुआ। एक तो जब जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खबर दी थी उस वक्त कत्ल हुआ, और दूसरा कत्ल इस वक्त हुआ कि अब इनकी ज़ुर्रियत को मैं नेस्त और नाबूद करूँगा और ख़त्म करूँगा। और मूसा अलैहिस्सलाम पर सख्त हालात आए। ये प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को तसल्लियाँ दी गई कि मक्का में ऐसे हालात तुम्हारे पर आएंगे, इससे ज़्यादा सख्त हालात मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर भी आए, लिहाजा सब्र करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, इस्तईनु बिल्लाह, अल्लाह से मदद मांगो और सब्र करो, अल्लाह जैसे चाहेगा वारिस बनाएगा। कहने लगे, उज़ीना मिन क़ब्लु अन तातियना वा बादी मा जीतना, ऐ मूसा तेरी आमद से पहले भी यही हाल था, जुल्म की चक्की में पिस रहे थे, अब तेरे आने के बाद भी यही हाल है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक तुम्हारे दुश्मन को हलाक करेगा और उसके बाद अल्लाह पाक तुम्हें इस धरती का की खिलाफत अता करेगा, और ये भी अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होगा, याद रखना, ये आजमाइश होगी कि इस धरती में खिलाफत तुम्हें मिलने के बाद तुम क्या करते हो। वला कद अखदना, फिर फिरौन पर उन अजाबों का तज़किरा है जो यके बाद दीगरे आते गए। पहला अजाब आया तूफ़ान का, घरों के अंदर पानी आ गया, फिरौन के पूरे ख़ानदान के घरों के अंदर पानी। मूसा अलैहिस्सलाम के पास भागे दौड़े आए, मूसा तू दुआ कर, और अल्लाह ने तेरे से वादा किया हुआ है कि मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। लेकिन कशफ था अन्न रिज, अगर इस तकलीफ़ को तू हटाएगा, तेरी दुआ से दूर हो गई, हम दोनों काम करेंगे। लनोमिनन लक, हम तेरे ऊपर एतमाद कर लेंगे। वला नुरसिलन माका बनी इसराइल, बनी इसराइल को भी आज़ाद करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, अजाब टल गया, फिर जालिम बन गए, फिर दोबारा दूसरा अजाब अल्लाह पाक ने टिड्डियों का मुसल्लत किया, फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास भागे, दुआ की, अजाब टला, फिर बागी बन गए, फिर कुंबल जुओं का अजाब आया, फिर मेंढकों का अजाब आया, फिर इसके बाद जो है वो मुसलसल खूनों का अजाब, खूनों का अजाब, घर की हांडी खाने की चीज़ों में खून ही खून भरा हुआ। ये पे दर पे अजाब क्यों आए, ये निशानी है इस बात की, वह दम आयात मुफस्सलात,
पे दर पे अल्लाह की तरफ से अज़ाब आए। ये अल्लाह छोटे छोटे अज़ाब भेजता है। जब उन्होंने न माना तो फरमाया फ़न तकम ना मिन हम, फिर हमने बड़ा अज़ाब लाया और उनसे हमने इंतकाम लिया। फ़अग़रक ना हम फिल यम, और फिर सबको हमने पानी में डुबो दिया। वे अन हम कज़्ज़बू भी आयातिना, इसलिए कि वह हमारी आयात को झुटलाते थे। वकानु अनहा गाफिलीन, और हमारी आयात से इबरत हासिल नहीं करते थे। ये आज हमें भी समझने की बात है। आज इस दुनिया में भी अल्लाह पाक छोटे छोटे अज़ाब लाता है, छोटी छोटी तकलीफ़ें लाता है। क्यों? ताकि अल्लाह की तरफ रुजू करे। लेकिन जब इन आयात से आदमी गाफिल होता है तो फिर अल्लाह की तरफ से फिर बड़े अज़ाब के फैसले होते हैं। उसके बाद जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम या मूसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत का जो दूसरा हिस्सा है, मूसा अलैहिस्सलाम का अपनी कौम के साथ क्या मुकालमा है, इसके बाद आगे वो मज़मून है। अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब तौरात अता फरमाई और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बेएतदालियों से रोकते रहे, जिसका तज़किरा पहले सिपारे में भी हम कर चुके हैं। तकरीबन 40 अखलाकी जराइम में ये कौम मुब्तला थी, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, और बारहा इनको समझाते रहे। लेकिन बहरहाल हर कुछ वक्त के बाद कोई नया जुर्म लेके आ जाते और कोई नई हरकत लेके आ जाते। एक तवील तारीख़ है इस कौम की, और इस कौम की तारीख़ को यहाँ पर अल्लाह पाक ने ज़िक्र फरमाया। और उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमूमी बेअसत का तज़किरा, और फिर इन पर जो अज़ाब आए, अज़ाब की एक शक्ल वहाँ पर आई, जो असहाब सब थे जिन्होंने मछलियों का शिकार किया और जिनको रोका गया था कि न करो, लेकिन उसके बावजूद भी उस शिकार में वो हद से तजावज़ करते चले गए, अल्लाह की तरफ से अज़ाब आया। उस अज़ाब का तज़किरा है वहीद अख़ रब्बुका मिन बनी आदम, और यहाँ से निस्फ के बाद से फिर आहद अलस्त का तज़किरा है कि आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने पैदा फरमाया और दुनिया पर उतारा, तो आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से क़्यामत तक आने वाली सारी ज़ुर्रियत को, इंसानों को अल्लाह पाक ने बाहर निकाला और सबसे इकरार किया कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। सब ने कहा जी ऐ अल्लाह आप हमारे रब हैं। तो कहा ये इकरार हमने इसलिए लिया है ताकि क़्यामत के दिन कोई ये न कहे कि हमें किसी ने बताया नहीं था। ये अल्लाह पाक ने इंसान के दिल के अंदर तौहीद की बात को वदियात रख दिया है। अल्लाह पाक ने अंदर इसमें तौहीद की आबियारी फरमा दी है, और फिर दुनिया के अंदर अल्लाह रसूलों को भेजता है, किताब आती है, फिर पैदा होता है तो अज़ान कहलवाई जाती है। ये वही बीज तौहीद का रखा हुआ है, उसी बीज की आबियारी के लिए ये सारा निज़ाम अल्लाह पाक दुनिया में बनाता है। और फरमाया उनकी मिसाल, बदतरीन मिसाल उन लोगों की है जिनको हमने दिल दिए लेकिन समझते नहीं हैं, आँखें दी हैं लेकिन जो है वो आँखों से देखते नहीं हैं, कान दिए हैं लेकिन वो सुनते नहीं हैं। उलाइका कल अनआम, ये चौपायों किसी तरह है, ये तो चौपायों की तरह है, जानवरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी गए गुजरे हैं कि अल्लाह तबारक ताला के पैगाम को कोई न समझे और अल्लाह तबारक ताला की ने दुनिया के अंदर जो आने का मकसद बताया उस मकसद को इंसान न समझे। फिर आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का बयान, और आखिर में फिर दावत के कुछ उसलूब ज़िक्र फरमाए, खुज़िल अफ़्वा वामुर बिल उर्फ व आरिद अनिल जाहिलीन, कि आप नेकी का हुक्म करते रहें और माफ़ी को लाजिम पकड़ें और जाहिलों से आप एराज़ करें। जाहिलों से एराज़ करने का मकसद ये हुआ कि जब तबलीग के दौरान अगर आपका मुकालमा, आपका बहस मबासा किसी जाहिल और अनजान शख्स से हो जाए तो फिर आप एराज़ कीजिए। माना ये कि अगर वो बेअदबी पर तुल आता है, गुस्ताखी पर तुल आता है और सख्त मिजाजी पर तुल आता है, ज़िद पर तुल आता है, तो अब ज़िद का जवाब ज़िद से न दे। वही मायन ज़गन कमने शैतान, अगर शैतान आपको कोई वसवसे डालता है तो फस्तअइज़ बिल्लाह, आउज़ बिल्लाह मिनश शैतान रजीम पढ़ा करो। और ईमान वालों की निशानियां बताई, ईमान वालों की निशानियां क्या हैं? वो तखवादार वो लोग होते हैं कि जब उनको शैतान की तरफ से वसवसा आता है, तज़क करो फौरी बेदार हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये शैतान की तरफ से वसवसा है। वह इख़वान हम यमुद्दून फिल गई, लेकिन शैतान के जो भाई उसके पैरोकार होते हैं वो क्या हैं? वो गुमराही के अंदर आगे चले जाते हैं, आगे चलते ही रहते हैं। और फिर कुरान के आदाब समझाए, जब तिलावत की जाए, पढ़ा जाए, तो तवज्जो से सुना करो और ख़ामोश रहा करो ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। और फिर समझाया अल्लाह पाक को दिल दिल में भी याद करो, आहिस्ता आहिस्ता भी याद करो, बहुत चीख चीख कर मत पुकारा करो और गफलत में मत पड़ा करो, यानी किसी भी लम्हे तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होना चाहिए। उसके बाद सूरतुल अनफाल और सूरतुत तौबा, ये दो मदनी सूरतें हैं और ये दोनों के मज़मून आपस में मिलते जुलते हैं। और सूरतुल अनफाल का जो मज़मून है वो ये कि माल गनीमत किसका हक़ है,
اور پھر بدر کے احوال یہ صورت بیان کرتی ہے۔ چنانچہ آغاز میں ایمان والوں کی نشانیاں ذکر فرمائی، پہلا تو اس سوال کا جواب کہ یہ پوچھتے ہیں کہ انفال کس کو ملے گا، مال غنیمت کس کا حق ہے؟ کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کی مرضی جہاں چاہے تقسیم کرے۔ لہٰذا فتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تم اللہ کا ڈر اختیار کرو اور باہمی صلح کرتے رہا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایماندار کی نشانی اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب اللہ کا نام آتا ہے تو اس کا دل لرز جاتا ہے، اور جب قرآن کی آیات سنتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کرتا ہے، نماز کا پابند ہوتا ہے، جو ہم نے دیا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں جن میں نماز ہو، جن کی زندگی میں زکوٰۃ ہو، جو قرآن کی تلاوت کر کے ان کا دل نرم ہو جائے، یہ ایمان کی نشانیاں ہیں۔ آج ہم کہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت بھی نہ کریں، ہم ذکر اللہ بھی نہ کریں، نماز سے بھی غافل، زکوٰۃ سے بھی غافل، اللہ کی ذات پر بھی بھروسہ نہیں، اسباب پر بھروسے، اور ہم کہیں ہم بھی مسلمان ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے یہ نشانیوں کیوں ذکر فرمائی؟ یہ آیات آئینہ ہیں، آئینہ، آئینے میں اپنی شکل اپنا چہرہ دیکھو آپ کیسے ہو، بالکل ان آیات پر اپنے آپ کو پرکھ لو، یہ کسوٹی ہیں ایمان کو پہچاننے کے لیے کہ ان میں یہ صفات ہمارے اندر موجود ہیں کہ نہیں ہیں۔ پھر کچھ بدر کے احوال سنائے اور ساتھ ساتھ پھر اسلامی لشکر کے خوبصورت آداب، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں کن بنیادوں پر کامیابی عطا کرے گا۔ اذا لقیتم الذین کفروا، اگر کسی جگہ پر اسلامی لشکر کی ملاقات کافروں کے ساتھ ہو تو پہلی بات یہ ہے کہ تمہیں جم کر لڑنا ہے، پیٹھ پھیر کے بھاگنا نہیں۔ نمبر دو، دوسرا ادب یہ سمجھایا اللہ اور اس کے رسول کی ہمیشہ اطاعت کرنی ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جب بھی پکار آئے تو اپنے سب مشاغل کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی پکار کی طرف متوجہ ہو، یہ بڑا اہم اصول ہے۔ گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اذان ہوئی تو یہ اللہ کی طرف سے پکار آئی ہے، اس پکار پر کتنا متوجہ ہوتا ہے؟ مسلمان کی یہ شان ہوتی ہے۔ اور چوتھا ادب یہ سمجھایا لا تخون اللہ والرسول، کہ خیانتیں مت کیا کرو، مال غنیمت کو چرانا، خیانت کرنا، سرکاری املاک کے اندر دھوکہ کرنا، فراڈ کرنا، اور باہمی اموال کے اندر، باہمی معاملات میں خیانت کرنا، یہ بدترین جرم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، یعنی یہ جتنی بھی آیات یا ایھا الذین آمنوا سے آ رہی ہیں یہ سب آداب بتائے جا رہے ہیں کہ اسلامی لشکر کیسے ہوا کرتا ہے۔ تقوی اختیار کرو، اور تقوی اللہ کا ڈر، اگر اللہ کا ڈر اختیار کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں فتح عطا کرے گا، اللہ پاک اس کے بدلے میں حق اور باطل میں فرق کرنے کی تمہیں صلاحیتیں عطا کرے گا، اللہ پاک تمہیں صلاحیتیں عطا کرے گا۔ اور پھر کچھ مشرکین کے ان احوال کا تذکرہ ہے جنہوں نے مکہ مکرمہ میں آ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار اس طرح سے کیا ہے۔ نضر بن حارث ایک سرداران مکہ میں سے تھا اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چمٹ کے کہنے لگا، میں محمد کی بات نہیں مانتا، اے اللہ یہ اگر حق ہے میں نہیں مانتا، مجھے ہلاک کر دے، ایسی ضد اور ایسی ہٹ درمی۔ تو اب وہ عذاب تو نہیں آیا، تو عذاب جب نہیں آیا تو کہنے لگے دیکھو نا اگر یہ حق ہوتا تو عذاب آتا۔ تو اس پر فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ پاک عذاب نہیں دیتا اے نبی جب تک آپ موجود ہیں، عذاب کی صورت جب ہوگی جب آپ یہاں نہیں ہوں گے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کروائی گئی، اور پھر مکہ چونکہ وہ مقدس وادی تھی اور وہاں قتل و قتال، جدل و جدال نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے حرم تھا، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مکہ والوں کو بدر میں لے جا کے وہاں پٹوایا، وہاں اس طرح سے ان کی سرداری اور ان کا غرور ٹوٹا جو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو جنہوں نے ہجرت پر مجبور کیا اور جو دین کو جو ہے وہ ٹھکرانے لگے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا انکار کرنے لگے۔ اور فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے نا عذاب نہیں آئے گا۔ تو پتہ چلا کہ عذاب کے لیے دو چیزیں رکاوٹ ہوتی ہیں، نبی کا وجود اور دوسرا استغفار۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ نبی کا وجود تو ختم ہو گیا، البتہ استغفار قیامت تک ہے۔ اور اس بار مفسرین نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ کے جسد عنصری کو اللہ آسمانوں پر لے جائے یا یہاں ہی دفن ہو، تو آپ نے یہاں پسند فرمایا، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جسد کی بھی برکتیں رہیں گی کہ جب تک یہ یہاں ہے اللہ پاک عذاب نہیں لائے گا۔ اور پھر اسی طرح سے یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم متولیان ہیں، بیت اللہ کے متولی ہیں، کہا نہیں نہیں نہیں، ہاں متولی ہونا
صرف بیت اللہ حاجیوں کو پانی پلانا، صرف ظاہری تعمیر کر دینا، یہ کوئی متولی ہونے کی صلاحیتیں نہیں ہیں. متولی تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے تھے. وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، کیوں اللہ ان کو سزا نہیں دے گا؟ اس لیے کہ صحابہ کو مسجد حرام سے روکتے ہیں اور یہ مسجد حرام کے متولی نہیں ہیں. اس کے متولی کون ہیں؟ متقی لوگ. پتہ چلا آج بھی دنیا کے اندر مسجد کا متولی کون ہونا چاہیے؟ متقی ہے. خود جو دیندار نہیں ہے وہ کیا مسجد کا متولی بنے گا؟ اسے تو خود سمجھنا چاہیے کہ میرے اندر خود دین نہیں ہے، خود تقویٰ نہیں ہے، خود طہارت نہیں ہے، خود قرآن کو نہیں جانتا، حدیث کو نہیں جانتا، نبی کی زندگی کو نہیں جانتا، وہ کیا مسجد کا متولی بنے گا؟ ولیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ مسجد کی ولایت کا اہل کون ہوتا ہے، اس کا مستحق کون ہوتا ہے. وما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا، یہ مسجد میں آ کر، حرم میں، بیت اللہ کے پاس آ کر نمازیں پڑھتے ہیں اور یہ یوں کہتے ہیں کہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں. ان کی نمازیں کیا ہیں؟ سیٹیاں بجاتے ہیں وہاں پر اور سارا دن گپ شپ میں لگے رہتے ہیں. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، ان کافروں کو ان وجہ سے، ان جرائم کی بنیاد پر عذاب دیا جائے گا. تو کہا کہ یہ اسباب ہیں عذاب کے، اور عذاب کی رکاوٹ کے اسباب بھی موجود، وہ بھی بتا دیا، اور اسباب کے ہونے کے اسباب، یعنی عذاب کے ہونے کے اسباب بھی سمجھا دیے کہ ان اسباب کی بنیاد پر عذاب اللہ کا اترا کرتا ہے. اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان ہو.